नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन है, जेंट स्वेटर में ये बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसके लिए हमने 10 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं प्लस 3, तो ये मैंने 23 फंदे लिए हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23 23 फंदे लिए हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं डिज़ाइन। पहला फंदा सीधा, 5 फंदे उल्टे लेंगे, 3, 4, 5, फिर एक फंदा सीधा लेंगे, उसके बाद 9 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक फंदा सीधा, फिर 5 फंदे उल्टे, 4, 5, और ये आखिरी फंदा सीधा लेंगे। अभी उल्टी सिलाई है, तो उल्टी सिलाई में हमें जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे। पहला फंदा उल्टा, जो हमने फंदे उधर से उल्टे बनाए थे यहाँ सीधे आ जाएंगे। 5 फंदे, 2, 3, 4, 5, और एक जो फंदा उल्टा सीधा बनाया था वो उल्टा आ जाएगा। अभी जो 9 फंदे हमने उल्टे बनाए थे वो सीधे आ जाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और एक ये 9 फंदे आ गए हमारे, 2, 4, 6, 8, और एक ये 9 फंदे। जो सीधा बनाया था एक फंदा वो उल्टा आएगा, और जो उल्टे बनाए थे वो सीधे आएंगे, 2, 3, 4, 5, और ये आखिरी फंदा है तो हम इसको उल्टा ले लेंगे। अब ये देखिए पहला फंदा सीधा, अब जो हमने 5 फंदे उल्टे बनाए थे उनको 4 बनाएंगे, 2, 3, 4, और ये जो एक फंदा सीधा था उससे एक पहले और एक बाद का फंदा सीधा बनाएंगे, 1, 2, 3, 3 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये 7 फंदे, जो पहले 9 थे उसमें से 7 रह गए। एक फंदा हमने इधर ले लिया, एक इधर ले लिया। अभी जो एक फंदा सीधा था उससे पहले का सीधा बनाएंगे, 2, और उसके एक बाद का भी हम सीधा बनाएंगे, तो जो 5 फंदे थे इधर ये 4 रह जाएंगे, 3, 4, और आखिरी फंदा सीधा। उल्टी सिलाई, उल्टी सिलाई में जो फंदा जैसे दिखेगा वैसा लेंगे, उल्टा, जो 4 फंदे उल्टे बनाए थे वो यहाँ सीधे आ जाएंगे, 2, 3, 4, और ये एक फंदा पहले सीधा एक था, फिर उधर से एक हमने इधर बढ़ाया था, इधर ये 3 थे, इनको उल्टा ले लेंगे। अब ये फंदे जो सीधे हैं, 7 फंदे हैं जो उल्टे लिए थे वो उल्टी तरफ से सीधे उनको सीधा ले लेंगे। ये 7 फंदे हमारे सीधे हुए, 3 फंदे जो सीधे थे वो इधर से उल्टे लेंगे, वो उल्टे आ गए। अभी 4 फंदे जो उधर से उल्टे थे वो सीधे आ गए, और आखिरी फंदा उल्टा। उल्टी सिलाई में आखिरी फंदा उल्टा लेंगे और सीधी सिलाई में आखिरी फंदा सीधा लेंगे। अब देखिए जो 4 थे इनको हम 3 लेंगे, 1, 2, 3, पहले फंदा यह 1 था, फिर ये 3 हुए, अभी 5 हो जाएंगे, तो एक फंदा इधर से हम सीधा लेंगे, 1, 2, 3, 4, और एक फंदा इधर से सीधा लेंगे। ये 5 फंदे सीधे हो गए, पहले एक फंदा सीधा था फिर 3 हुए, अभी 5 हो गए। अभी फंदे 1, 2, 3,
चार, पांच, पहले नौ उल्टे फंदे थे, फिर सात रह गए और अब ये पांच रह गए। अब ये एक, दो, तीन, चार, पांच, तीन फंदे उल्टे और एक फंदा ये आखिर का सीधा, सीधी सिलाई में आखिरी फंदा सीधा बनेंगे। उल्टी सिलाई आ गई, पहला फंदा उल्टा, ये देखिए जो उधर से फंदे उल्टे थे इधर सीधे, हमको सीधा ले लेंगे, जो उधर से सीधे थे वो उल्टे आएंगे। तीन, चार और ये पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच सीधे और ये पांच उल्टे, एक, दो, तीन, चार और ये पांच, तीन फंदे सीधे, उल्टी सिलाई है तो आखिरी फंदा उल्टा लेंगे। अब देखिए पहला फंदा सीधा, अभी जो तीन, पहले पांच फंदे उल्टे लिए, फिर चार लिए, तीन लिए, अब इनको हम दो लेंगे और एक फंदा इधर ले लेंगे। तो जो पहले एक सीधा था, फिर तीन हुए, पांच हुए, सात हो जाएंगे, दो, तीन, चार, पांच, छः और एक ये सात। अब ये तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, सात फंदे सीधे, तीन, चार, पांच, छः और ये सात। ये देखिए पहले ये उल्टे फंदे पांच थे, चार तीन हुए, अब ये दो रह गए, आखिरी फंदा सीधा, सीधी सिलाई है तो आखिरी फंदा सीधा, उल्टी सिलाई देखिए उल्टा, एक, दो ये सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः और ये सात फंदे ये उल्टे हो गए। तीन फंदे सीधे, सात फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा हो गया। सीधी सिलाई है, पहला फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और ये नौ फंदे अब सीधे हो जाएंगे, दो, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ और ये नौ फंदे, एक फंदा हमारा बीच का उल्टा रह गया। अब देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, एक फंदा उल्टा और ये आखिर का फंदा सीधी सिलाई है तो सीधा। ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बनता जाएगा, पहले एक था, तीन, पांच, सात, नौ, ऐसे लेंगे इन फंदों को ना। ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है, जेंट्स स्वेटर में बहुत सुंदर डिज़ाइन लगता है ये। अब जो फंदे जैसे हैं उनको हम लेते जाएंगे, एक उल्टा, एक सीधा, एक, नौ फंदे लेंगे, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, एक जो फंदा उल्टा बचा था इधर से सीधा उसको सीधा ले लेंगे और बाकी ये फंदे, नौ फंदे उल्टे। छः, सात, आठ और एक ये नौ सीधा और आखिरी फंदा ये उल्टा। ये हमारा डिज़ाइन पूरा हो गया।
इसी तरह से डिजाइन बनाते जाएंगे। ये देखिए, कैसा लगा आपको मेरे बताने का तरीका? मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।